हिंसा में एक बार फिर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां पुलिस ने अवैध हथियार के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चार हथियार बरामद किए हैं, जिसमें दो देसी रिवॉल्वर, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस सहित चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी शामिल है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली के द्वारा आज चेकिंग की गई, एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के गठन में बस स्टैंड पर एक आरोपी को मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने घेराबंदी करके हिरासत में लिया गया, जिसका नाम अनिल और रहने वाला गुलगांव सांची थाने जिला रायसेन का है, जिससे आधिपत्य से अग्निशस्त्र शस्त्र फायरआर्म दो मिले और जिससे उससे पूछताछ की गई तो अन्य एक व्यक्ति अकरम का नाम सामने आया, जिसमें हमारी पुलिस टीम अकरम को हिरासत में लिया। अकरम के पास भी दो अग्निशस्त्र फायरआर्म मिले और जिससे पूछताछ करने पर जो मोटरसाइकिल अनिल ने उपयोग की थी वो भी 2018 की कोतवाली में 379 का अपराध पंजीबद्ध है। यशवंत दांगी के नाम से वो रिपोर्ट दर्ज है, तो वो भी चोरी का वाहन उसमें प्रयुक्त किया गया फायरआर्म को ले जाने में।